आज हम आपको लेके आए हैं स्वेक लेक, जो कि कलर कहार में लोकेटेड है। अगर आप भी कुदरती नज़ारे, आबशार, पहाड़ों की वस्त में मौजूद झील और टूरिस्ट पॉइंट से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं स्वेक लेक की तरफ और आपको दिखाते हैं कुदरत का शाहकार। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वलीद अब्बास एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपके लिए एक बड़ी ही हिडन प्लेस लेके आया हूँ, जो कि स्वेक लेक के नाम से है और ये लोकेटेड है तहसील कलर कहार के अंदर, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से आ रहे हैं, तो कलर कहार इंटरचेंज से ये 10 किलोमीटर की मुसाफत पर है और मैक्सिमम जो ट्रैवल है वो आपका आगे ऑफ रोडिंग है। तो इसके लिए या तो आपको जीप पर आना पड़ेगा तो या पैदल आना पड़ेगा। तो स्वेक लेक आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हर साल हजारों जो है वो टूरिस्ट आते हैं और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी से लुत्फानंदोज होते हैं और काफ़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं और इस मेमोरी को जो है अपने मोबाइल में स्टोर करते हैं। तो हम जो यहाँ के मकामी हैं, तो हम यहाँ पे ऑफ सीजन में आए हैं, तो यहाँ पे इस वक्त कोई टूरिस्ट मौजूद नहीं है। तो हम खुद फ्रेंड्स के साथ ही यहाँ पे एक तो सैर के लिए आए हैं और दूसरा हमने कहा अपने ऑडियंस के साथ जो है वो एक टॉपिक कवर कर दिया जाए। तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक बहुत अच्छी प्लेस है जी। तो इस वक्त स्वेक लेक पे हमारे साथ जो है वो कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। बैक एंड पे आप देखें तो ये कुकिंग वगैरह भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कहाँ से आए हैं आप? हम कलर कार शहर से। तो कलर कार से तो आप आए हैं, तो कैसी आपको ये जगह लगी है? ये बहुत अच्छी है, तकरीबन हम वीक में एक दफ़ा आते हैं। ठीक है। इधर ग्रिल फिश या वैसे कोई कढ़ाई वगैरह प्रोग्राम, सारे दोस्त मिल के इधर आते हैं। ठीक है। बहुत अच्छी जगह है और आपसे भी कहेंगे एक दफ़ा आएँ और विज़िट करें। तो आप हमारे टूरिस्ट को क्या कहना चाहते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से देख रहे हैं? जी जी। ये है तो काफ़ी ऑफ रोडिंग, तो यहाँ पे उनको आना चाहिए, आप रिकमेंड करते हैं या नहीं रिकमेंड? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी जगह है, उनको आना चाहिए। नेचुरल ब्यूटी है, ये देखें पानी आ रहा है ऊपर से। ठीक है। और बाकी इधर कुकिंग भी, बंदा सेल्फ कुकिंग भी कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी जगह, आना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आए हुए हैं टूरिस्ट और यहाँ पे जो है वो बैक एंड पे कुकिंग वगैरह भी हो रही है। अगर आपको कैमरामैन जो है वो दिखा सके तो काफ़ी अच्छी प्लेस है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप आएँ। और आप कलर कार आते हैं, कलर कार की जो मेन झील है वहाँ पर आप जाते हैं, जो आपने इंजॉयमेंट किया आप चले जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा हट के है स्वेक लेक और पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब हम टॉप पर चलते हैं और टॉप से जो इसका व्यू है वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड पे बाउंड्रीज भी लगाई गई हैं, क्योंकि जो इसके स्टार्ट होती है लेक, वहाँ पे तो इतनी जो गहरी नहीं है, तो जैसे जैसे ये आगे जाती है वहाँ पे बहुत गहरी है, काफ़ी हादसात भी हो चुके हैं। तो यहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया है उसने काफ़ी जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ दी हुई हैं ताकि लोग जो है वो बड़े हादसात से बच सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी हाइट है और इसके लिए आपको बड़ी ही एहतियात से ऊपर आना पड़ेगा। जी तो नाज़रीन, ये वो पॉइंट था जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि यहाँ से पूरी जो है वो आपको स्वेक लेक नज़र आती है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको एहतियात तो करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं बहुत इंजॉयमेंट करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ग्रीनरी है, नेचुरल ब्यूटी है और ये लेक, इसमें आप आके जो है वो नहा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको स्विमिंग आती हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ये गहरी है। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आपको एक कलर कार की जो स्वेक लेक है, एक तो कलर कार की नेचुरल लेक है, उससे हट के 10 किलोमीटर की मुसाफत पर ये भी लेक मौजूद है, तो इसकी आपको कुछ जो है वो क्लिप्स दिखाए जाएँ। तो इंशाल्लाह सीज़न के अंदर, जैसे कि ईद का कोई सीज़न होता है, 14 अगस्त हो गई, या गर्मियों का जो सीज़न है, तो उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो उस वक्त हम प्रॉपर आएंगे और इंटरव्यू भी करेंगे। आज यहाँ पे जो भी टूरिस्ट थे उनसे हमने इंटरव्यू किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।